company secretaryship. So I failed around 5 times, but that's okay. Nobody asked company secretaries that how many attempts you took. Nobody asked president at all how many attempts you took. So in 2001, I had this dream. And let me tell you that I took total 9 attempts to, even though I am connected with many of the students on Instagram, and I make sure that even on Instagram, I reply to each one of their queries, and I follow back the students also. So, so I feel that I am back with the students, and this is the best way to like end your tenure as a president. At this point of time, I thank. How many of you want to be successful? Okay, my thought process is a bit different. Rather than successful, you should think about satisfaction, because success is measured by others. Satisfaction is measured by yourself. Be satisfied rather than being successful. At this point of time, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बहुत खुश होंगे, रादर सेटिस्फाइड होंगे. सेटिस्फाइड इसलिए होंगे क्योंकि जैसा कि हमारे माननीय प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि आपकी जो सफलता का, जो आपको सफलता मेजर करनी है, आप वो दूसरों की सफलता के साथ मेजर करेंगे तो शायद आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे. तो रादर जो आपको सफलता अगर मेजर करनी है तो सफलता आप मेजर कीजिए कि आप कितने संतुष्ट हैं. और जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, एक चीज़ याद रखिए, कमाना तो अपनी जगह है बट क्योंकि कमाने की भूख कभी शांत नहीं होती, जितना आप सीखेंगे आप उतने ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे. हालांकि ये जो वीडियो है इसका टॉपिक ये है कि क्या सच में अटेम्प्ट मैटर करते हैं. तो जैसा कि आपने सुना, हमारे माननीय जो ICSI के प्रेसिडेंट है, मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे देवेंद्र देशपांडे सर हैं, युवा प्रेसिडेंट रहे और इनका टेन्योर अभी ख़त्म होने वाला है, बट रहते रहते इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए. जैसे कि सबसे बड़ा चेंज जो हम सबको इम्पैक्ट डालने वाला है आने वाले 5 सालों तक, वो है सिलेबस. देखिए, सिलेबस जो है काफ़ी अच्छा कर दिया है. 7 सब्जेक्ट हो गए हैं एग्जीक्यूटिव में, 7 सब्जेक्ट हो गए हैं प्रोफेशनल में. ट्रेनिंग का एक अच्छा स्ट्रक्चर ऑलरेडी जो था 23 महीने का, वो स्ट्रक्चर रेडी है, बट 7 सब्जेक्ट हो गए हैं तो आपका ना टाइम ड्यूरेशन और कम हो जाएगा CS करने का. ठीक है, CS प्रोफेशनल से टैक्स को हटा दिया गया है. अगर आपने देखा हो, CS प्रोफेशनल से टैक्स हट गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे टैक्स में क्या होते थे, फंस जाते थे बच्चों. और ऐसा भी एक ऑब्जर्व किया गया, बहुत सारे CS लोगों से ओपिनियन लिया गया कि यार, खैर एनीवे वो बात की बात है, बट इस वीडियो का टॉपिक ये है कि प्रेसिडेंट जी ने भी 9 अटेम्प्ट लिए ओवरऑल क्लियर करने में, एंड ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ICSI. ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए डिवोटेड है, डेडिकेटेड है, जिन बच्चों को ये लगता है कि अगर मुझे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग रहे हैं, और बहुत सारे आई डोंट नो ऐसे टीचर्स भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं जो कहीं ना कहीं ये बोलते रहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो. मैं मानता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो गोल्डन अटेम्प्ट होता है. गोल्डन अटेम्प्ट इसलिए होता है क्योंकि हम सबसे ज़्यादा मेहनत शायद वहाँ पे करते हैं, बट CS में फेलियर से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. तो बस एक ही चीज़ याद रखिए बच्चों, आपके अटेम्प्ट मैटर, बिकॉज बच्चों हमारे, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे नसीब में क्या है, वॉट इज़ इन आर हैंड, हमारे हैंड में है सिर्फ एफर्ट देना. तो एज अ स्टूडेंट हमें सेटिस्फाइड फील करना है, और सेटिस्फाइड हम कब होंगे, जब अपने साइड से हमने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया होगा. तो आपका दायित्व क्या है एज अ स्टूडेंट, अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए. ICSI के प्रेसिडेंट को लगभग 9 अटेम्प्ट लगे, और इनका ये बड़ा दिल है, उनका ये दिल देखिए आप कितना बड़ा है. उन्होंने कहा कि भाई 9 अटेम्प्ट लग गए मुझे, मतलब ऐसा कोई बताता नहीं है, बट प्रेसिडेंट जो है उन्होंने बताया. और रादर उन्होंने क्यों बताया कि वो आपको इनक्रेज करना चाहते थे कि यार ये कोर्स ऐसा है, मतलब आप ये मत सोचिए कि आप ही फेल हो रहे हैं भाई. और कई बच्चे ऐसे निराशा में आके छोड़ देते हैं, भाई मैं भी फेल हुआ और मैं आज ICSI का प्रेसिडेंट हूँ, और बहुत बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज को सर्व सर्विसेज देते हैं. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इन द कंट्री, और अपने स्टूडेंट्स का हमेशा ख्याल रखते हैं. तो बच्चों अटेम्प्ट मैटर नहीं करते, नौ अटेम्प्ट में भी कोई बंदा ICSI का प्रेसिडेंट बन सकता है, हमारे CS कोर्स में काफ़ी रेवोल्यूशन ला सकता है, क्रांति ला सकता है, तो बच्चों आप क्यों नहीं. तो बस लगे रहिए, और बस अपने कोर्स का नाम रोशन कीजिए. बहुत अच्छा कोर्स है, बट एक ही चीज़ मेरी
शिकायत रहती है कि ये इतना अच्छा कोर्स है बट इसको हम अच्छे से मार्केट नहीं कर पाते, बहुत सारे लोगों तक पहुंचा नहीं सकते। सीए का कोर्स जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो गया क्योंकि वहाँ पे इंस्टीट्यूट उनकी काफ़ी एफर्ट लेती है कोर्स को प्रमोट करने में। हमारे साइड से भी अगर इंस्टीट्यूट थोड़े से एफर्ट बढ़ाए, हम टीचर्स तो लगे रहते हैं, तो ये इतना बेहतरीन कोर्स है ना, लोगों के पास जाएगा। लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, और उसके बाद अल्टीमेटली यू विल फाइंड देम कॉल सेंटर में, आईआईटी में कुछ बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि हमारा कोर्स अच्छा हो और स्टूडेंट्स जो हैं और ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा सीखें, ज़्यादा सेटिस्फाइड रहें। लव यू सो मच।